नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्मू और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सम्मू के व्लॉग्स को। दोस्तों बहुत टाइम हो गया है कि मैं किसी मंदिर में नहीं गया हूँ, तो आज के इस वीडियो में जा रहा हूँ मैं मंदिर जो कि हमारे गांव में ही पड़ता है, मतलब हमारे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो आज उसी को ही हम कवर करेंगे। और वहाँ पर जाने के लिए हम एकदम रेडी हो चुके हैं, जिन्हें नहाया हुआ है, मंदिर जा रहे हैं तो इसलिए नहा रहे हैं। और ये रहा हमारा साइकिल, इसी से हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं है, यही साइकिल है, इसी से हम जाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक यार, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार मंदिर जाने के लिए। इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों अभी हमने आधा रास्ता पार कर लिया है और बस हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं पृथ्वीनाथ मंदिर में। और ये देखिए हम साइकिल चला रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे शर्माते होंगे कि यार मतलब साइकिल पे वीडियो बना रहा है ऐसा वैसा, तो यार मुझे लगता है कि आपके पास जो कुछ भी है उसी को दिखाना ही व्लॉग होता है। और सो फाइनली गाइस अभी हम पृथ्वीनाथ में पहुँच चुके हैं। ये हमारे कुछ दोस्त हैं, ये मेरी मौसी का लड़का है और इनका एक फ्रेंड है, कहाँ है भाई ये है, तो इन्हीं सबको हम लेकर आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और हम पृथ्वीनाथ में पहुँच चुके हैं। यहाँ पृथ्वीनाथ का नज़ारा देख लेते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा मंदिर है ये। चलिए आपको पास ही दिखाते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जब खेल ख़त्म हो गया तब हम यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। और सो फाइनली गाइस अभी हम इस मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। ये आप मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं, इसी के अंदर हम चलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, आपको दिखाते हैं। वैसे यार इस मंदिर के अंदर हम पहली बार जा रहे हैं, यहाँ पर हम तो बहुत बार आते रहते हैं लेकिन इस मंदिर के अंदर हम पहली बार जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कैमरा वगैरह अलाउ रहता है या नहीं। और सो फाइनली गाइस अभी हम इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, मतलब हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर यही है। और सो फाइनली गाइस अभी हम इस शिवलिंग के अंदर आ चुके हैं और आप ये मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। और ये आप शिवलिंग देख सकते हैं, मतलब हम पहली बार इतना बड़ा शिवलिंग देखे हैं और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है इस मंदिर का खूबसूरत नज़ारा जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं, वो भी साइकिल चलाकर। यार ये मंदिर काफ़ी अमेजिंग है और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ऐसे बहुत सारी मूर्ति यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यार दोस्तों हम तो इस मंदिर में पहली बार आए थे लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मंदिर काफ़ी बहुत बड़ा है यार, मतलब बहुत अच्छा है। चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है इस मंदिर के बाहर। और गाइस जैसा माना जाता है कि इस गांव माता के अंदर आप कान में जो भी आप मांगोगे तो वो भी पूरा हो जाएगा, तो हमने भी कुछ मांगा है जो आपको नहीं बताएंगे। और सो फाइनली गाइस अभी हमने इस मंदिर को घूम लिया है, इस मंदिर में आकर हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, जितना ज़्यादा मतलब इसका नाम सुने थे उतना ही बड़ा मतलब है ये, और बहुत प्यारा है यार ये मंदिर। तो हमने दर्शन कर लिया है, दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस जगह का नाम है पृथ्वीनाथ मंदिर जो कि हमारे गोंडा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है झालीधाम, तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और सो फाइनली गाइस जब भी हम झालीधाम पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे गेट देख सकते हैं, ये रहा ये गेट, और भी एक गेट उधर भी है। और सो फाइनली का जब भी हम झालीधाम में पहुंच चुके हैं और आप ये मेन गेट देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है। और यार ये मंदिर बहुत ज़्यादा अमेजिंग यार, बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा है यार हमारा झालीधाम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये झालीधाम का गेट है, लोग इसी से अंदर जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि झालीधाम अंदर से कैसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है यार हमारा झालीधाम। वैसे हम यहाँ पर आते जाते रहते हैं क्योंकि हमारे गाँव से बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, 4 या 5 किलोमीटर ही होगा, तो हम यहाँ पर आते रहते हैं। काफ़ी सुंदर है यार ये। और आप ये पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है अभी, जो लगभग 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल हो गए होंगे शायद। उससे पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये रहा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है यार, अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा आपको। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकते हैं, और बाहर से हम दिखा सकते हैं आपको, तो बाहर से आप देख लीजिएगा।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार ये तो। और गाइज आप कहीं पर भी जाइए, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, बशर्ते आपको कोई नुकसान नहीं करना है। और ये आप कृष्णा जी की मूर्ति देखते हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, अलग अलग भगवान की मूर्ति यहाँ पर पूरी छपी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी हमने इस मंदिर को भी घूम लिया है, ये मंदिर का आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत बड़ा है ये मंदिर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।